अगला सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर टहनियाँ लगाई थी, तो क्या हम कब्र पर फूल डाल सकते हैं? ये उसी तरीके से है कि हजरे अस्वद है तो हम बुज़ुर्गों की चौखट को चूम सकते हैं। कब्रों पर टहनी ज़रूर लगाएं आप, फूल डालने की कोई असल नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी मुस्लिम में आता है, एक सफ़र में आप दो कब्रों के पास रुक के फरमाया, इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली खाता था। फिर आपने एक टहनी अपने मुबारक हाथों से तोड़ी, उसके दो हिस्से किए, उस पर डाल दी, दोनों पे लगा दी, फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी अजाब में तखफीफ होगी। इसमें अक्सर मुहद्दिसीन का यही ख्याल है कि ये नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों की बरकत है, ये नहीं है कि आप किसी की कब्र पे भी कोई टहनी लगा देंगे तो अजाब में तखफीफ होगी। और ये बात ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है कि एक हबशी औरत थी सियाफाम, मस्जिद नबी की सफाई करती थी, बुखारी में भी इसका कुछ हिस्सा मौजूद है, मुस्लिम में डिटेल है, फौत हो गई, सहाबा इकराम ने रातों रात जनाजा पढ़ के दफना दिया, दो तीन दिन गुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत नज़र नहीं आ रही जो मस्जिद की सफाई करती थी, क्या रसूलल्लाह फौत हो गई थी, हमने आपके आराम में उसको खलल समझते हुए आपको नहीं बताया, तो आपने फरमाया कि मुझे बताना था, चलो मुझे अब उसकी कब्र पर ले जाओ। आप कब्र पर गए, जाके जनाजा पढ़ा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि ये कब्रें अंधेरों में डूबी पड़ी थी, मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने इनको नूर से भर दिया। अब ये बड़ा है, सुबहानल्लाह भी है और अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ें, कि वो कब्रें बरेलवी देवबंदी वाले हदीसों की नहीं थी और काफरों की भी नहीं थी, क्योंकि काफर को तो नफ़ा पहुँच ही नहीं सकता, जो शिर्क पर मरा है उसको नबी की दुआ से तो नहीं होगा, वो तो कुरान में सूरह अत्तौबा में बाकी जगहों में भी आया कि किसी नबी और अहले ईमान के लिए शाया नहीं कि वो काफरों के लिए दुआ मगफरत करें, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट नहीं होनी, और सूरह तौबा में है कि मुनाफिकीन के लिए आप 70 दफ़ा भी दुआ करें अल्लाह नहीं कबूल करेगा। ये सुबहानअल्लाह तो आपने पढ़ लिया, यानी वो मुसलमानों की कब्रें थी और नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने के मुसलमान थे, यानी असहाब थे, तो बड़ा ख़तरनाक मामला है। यहाँ तो आप बुज़ुर्गों की नस्बतें लेके बैठे हुए हैं कि जी हम बच जाएंगे, जिन्होंने हुज़ूर की सोहबत भी की हुई है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाए मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से उनकी कब्रें जो है नूर से भरी गई हैं, तो इसलिए वो टहनियों वाली भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बरकत थी। अगर कोई इस पर सुन्नत पर भी अमल करता ठीक है, टहनियाँ लगाए, फूल फेंकना नहीं है, ये तो बिल्कुल फजूल खर्ची कर रहे हैं, जाके एक पूरी इंडस्ट्री फूलों की बना ली है आपने, वो खरीदते हैं और फिर हर शब रात के ऊपर रेड़ियाँ लगी हुई होती हैं, ईद की रातों में रेड़ियाँ लगी हुई होती हैं, तो टहनी तो मुफ्त मिल जाती है मेरे भाई, कहीं से भी काटें, और बल्कि जब मुर्दे को दफनाया जाता है उस वक्त भी उसके सराहने के साइड पर कोई लोग उमन एक लकड़ी और टहनी गाड़ देते हैं कब्र की निशानदेही के लिए, वो जायज़ है।